बीजेपी नेता एसएम खान और उनकी टीम द्वारा देवेंद्र फडणवीस व संजय केनेकर के जन्मदिवस पर ब्लाइंड बच्चों में फल फ्रूट भोजन वितरण किया गया। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई वसोवा विधानसभा के बीजेपी अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष एसएम खान और उनकी टीम द्वारा महाराष्ट्र के लाड़ के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी तथा प्रदेश महासचिव श्री संजय केनेकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री एस एम खान जी के द्वारा ब्लाइंड छात्रों को फल व भोजन वितरित किया गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक वरिष्ठ नेता एसएम खान अपने वसोवा विधानसभा स्थित कार्यालय पर सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध प्राप्त किए हैं। विधानसभा सभी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों के सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यही कारण है कि एसएम खान हमेशा नए कार्यों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को जन्मदिन की शुभकामना देना चाहता हूं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के महामंत्री श्री संजय केनेकर जी, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने ब्लाइंड स्टूडेंट को फ्रूट्स का वितरण किया, उनको खाने की चीज़ें दी गई। हमारे बड़े भाई श्री एसएम खान जी के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था। आज किसी कार्यक्रम में वो चले गए, वो नहीं उपस्थित हो पाए, उनके अनुपस्थित में हम लोग ने यहाँ कार्यक्रम किया है और इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया। पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जन्म दिवस की हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को और हमारे महामंत्री संजय केनेकर जी को, कि उनके जन्मदिन के इस अवसर पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष एसएम खान जी ने आज यहाँ पर अंध स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में, उन्होंने बच्चों को जिस तरीके से फल और अन्य मिठाई की चीज़ों का जो वितरण किया है, इसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये सब यहाँ पर वितरण किया। और इसी के चलते मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि लगातार जब से उन्होंने कार्यालय खोला है, उन्होंने हर किसी की सहायता और हर किसी को निस्वार्थ सेवा देने की कोशिश की है। और ये जो है एक पहल है उनकी प्रगति की ओर, इसीलिए मैं इतना उनके बारे में कह रहा हूँ। ऐसे बच्चे जिन्होंने रोशनी नहीं देखी, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, फिर भी अपने मन के नज़रों से सब कुछ देखते हैं, उनके बीच पहुंच के आपको कैसा लगा? ये एक अलग अनुभव था और काफ़ी भावनात्मक महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आके, कि जिनके पास आंखें होते हुए भी जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जब देखती हूँ कि जिनके आंखें नहीं हैं वो अपना जीवन किस तरह से गुजर बसर करते हैं और कितना संघर्ष का सामना उनको करना पड़ता है, यहाँ तक कि स्कूल पहुँचने के लिए भी जब बरसात का मौसम है उनके पेरेंट्स उनको यहाँ तक किस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, इस बात को समझते हुए हमारे जो खान साहब है उन्होंने ये फैसला लिया कि आज के दिन में जैसे ये जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने यहाँ पर फ्रूट्स को वितरण करने का जो फैसला लिया, ये एक सकारात्मकता ही मैं मानूंगी। अब इसके बाद फिर कभी यहाँ आना पसंद करोगी? बिल्कुल, मैं हमेशा यहाँ आना पसंद करूँगी और जब जब हमारी टीम, हमारे खान साहब हमें बोलेंगे कि हाँ हमें एक फिर से एक अभियान चलाना है और इन असहाय बच्चों की हमें मदद करनी है, तब तब हम लोग आएंगे और यहाँ पर उनकी सहायता ज़रूर करेंगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और एसएम भाई ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम रेगुलर करते रहते हैं और उनके अंडर में सब व्यवस्थाएं हमेशा व्यवस्थित होती है। और ब्लाइंड बच्चों में आने के बाद हमको महसूस हुआ कि वो लोग जीवन जीने में कितना संघर्ष करते हैं
और उन लोगों के लिए एसएम खान जैसे हमारे साहब बहुत ही अपने दिल से और पूरी प्राण प्रतिष्ठा लगा के उनके लिए मेहनत करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी समाज सेवा कर रहे हैं जोगेश्वरी विधानसभा। हाँ वो तो विधानसभा में तो सब कार्य करते हैं, कुछ नाम के लिए करते हैं, लेकिन हमारे साहब जो है कभी नाम, अभी आज उनके पास समय नहीं था, फिर भी वो बोले कि हमको करना है तो करना है, आप जाओ करो। उनकी टीम हमेशा लगातार कार्य करती रहती है इधर उधर, लेकिन उनको उस चीज़ का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही महान है।